अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी और पोहे का बना बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट अप्पम की रेसिपी। इसे चटनी के साथ परोसेंगे। चटनी की भी रेसिपी मैंने यहाँ पर बताई है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए यहाँ पर कितना सॉफ्ट है, ये एकदम रुमाल की तरह ये फोल्ड हो जा रहा है। यहाँ पर मैंने अप्पम को नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है, इसकी भी रेसिपी मैं बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डोसा को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर सूजी ली है, ये नॉर्मल सूजी है जिससे हम हलवा बनाते हैं, और 1 कप के बराबर पोहा, 1 कप दही ले लिया है मैंने। यहाँ पर जो क्वांटिटी मैंने ली है इससे 5 से 6 लोग डोसा आराम से खा सकते हैं। 15 से 16 अप्पम बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जार थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो पहले मैं सूजी को ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मिक्सिंग बोल में मैंने निकाल लिया है, और अब पोहा को डालकर अच्छे से ब्लेंड कर ले, पीस ले, और फिर पोहा को भी मैं यहाँ पर ब्लेंडर में से निकाल कर बोल में डाल दूँगी। इसमें डाल देना है नमक और थोड़ा सा चीनी, करीब 1 टेबल स्पून के बराबर डालकर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये बैटर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास पीसी हुई चीनी थी तो मैंने उसे यूज़ कर लिया है, इसकी जगह आप नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर बैटर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, पोरिंग कंसिस्टेंसी हो उतना इसे पतला कर लेना है। तो यहाँ पर ब्लेंडर को भी मैंने अच्छे से वॉश करके 1 कप के बराबर पानी डाल दिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो करीब इस तरह के टेक्स्चर वाला, कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। चलिए अप्पम बनाने से पहले चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए अब यहाँ पर मैं ले लूँगी 1/2 कप के बराबर पतले स्लाइसेस में कटा हुआ नारियल, थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं मैंने, 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इनको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप के बराबर रोस्टेड चना दाल, इसकी जगह आप चाहें तो सिंगदाना यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो जो चना दाल हम दाल बनाने में यूज़ करते हैं उसे भून कर ले लें, उसे यूज़ कर सकते हैं। धनिया पत्ता डाल दिया है करीब 1/2 कप के बराबर, 1 टेबल स्पून चीनी डाल दी है, और 4 चम्मच मैंने दही डाला है यानी 1/4 कप के बराबर दही। इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, और गाढ़ी चटनी इस तरह से बनाकर तैयार कर लें। चलिए अब इसे तड़का दे देते हैं, जिससे कि चटनी का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तड़का पैन में मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून तेल, तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर डाल देना है 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने। सरसों के दाने फूट जाए यानी कि क्रैकल हो जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी 10 से 12 कड़ी पत्ते। तीखापन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्च यहाँ पर बीच में से चीरा लगाकर उसे भी डाल सकते हैं, और फिर तड़क जाने के बाद इन चीज़ों को आंच को बंद कर दें। ये देखिए यहाँ पर तड़का तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे चटनी में ऊपर से डाल दूँगी और हल्का सा इसे मिक्स कर लें। चटनी तड़का दे देने से बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है, ये देखिए यहाँ पर। तो चलिए अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और ये है 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। इससे अच्छा सा फ्लफीनेस आ जाएगा बैटर में। इसकी जगह आप चाहें तो 1/2 छोटा चम्मच सोडा यूज़ कर सकते हैं, खाने वाला सोडा घर में होता ही है ज़्यादातर, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए यहाँ पर बैटर कितना फ्लफ़ी हो गया है। चलिए अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए एक यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, इसे ज़रा सा तेल डालकर ग्रीस कर लूँगी। यहाँ पर फ्राइंग पैन मीडियम गर्म हो जाए उसके बाद 1 कलछी भर के बैटर यहाँ पर फ्राइंग पैन में डालना है। ये देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अपने आप ही फ्राइंग पैन में फैल जाए, इसे फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप ढककर भी इसे पका सकते हैं या इस तरह से पी छोड़ दें। तो ये देखिए बुलबुले आ रहे हैं अप्पम में, तो इसी से ये पक जाते हैं। बुलबुले बनने से जो स्टीम होती है उससे ये जो अप्पम है अच्छे से पक जाएगा। आखिर के 30 सेकेंड के लिए मैंने इसे ढककर पकाया, जिससे कि अप्पम अच्छे तरीके से पक गया है। तो अब इसे मैं फ्राइंग पैन में से निकाल लूँगी। अप्पम को दूसरी तरफ से पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये पक जाते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अप्पम अच्छे से पक जाते हैं तभी ये फ्राइंग पैन में से निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक और मैं आपको पका कर दिखा रही हूँ, ये आसानी से पक जाते हैं। 2 मिनट में अप्पम पक के तैयार हो जाते हैं। तो आप इस तरह से फटाफट अप्पम बनाकर चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो आप अप्पम की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।